शिव और कृष्ण जिस भूमि पर मिले हैं वो भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। भूमि का भी बड़ा महत्व रहता है। एक भूमि बद्री नारायण की, वहां पर भी मेरे हरिहर मिलन हुआ है, शंकर का मिलन भगवान नारायण से। क्योंकि जो बद्रीनाथ की भूमि है वो तो शंकर की थी, वो तो भगवान ने विष्णु भगवान को दे दी, उनको अच्छी लगी लक्ष्मी जी को, इसलिए प्राप्त हुआ है। मृदा का महत्व, मिट्टी का महत्व हमारा शास्त्र वर्णन करता है, बड़ा महत्व, बड़ा। महाराज एक रुपए कमा रहे हो, सवा रुपए खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में नहीं दिख रहा, पैसे की कमाई नहीं हो रही, बहुत टेंशन चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, तिरुपति जाओ। तिरुपति में कहाँ जाना है? मंदिर में दर्शन करना है क्या? दर्शन करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। दो जगह पर तिरुपति में जाना, एक तिरुपति के नीचे कपिलेश्वर महादेव, दूसरा तिरुपति पर ऊपर पुष्करणी। कपिलेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे के भाग में जो कुंड है उसका जल, ऊपर जो पुष्करणी है उसका जल, पुष्करणी के अंदर भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति है जल के अंदर, जो साल भर में एक बार निकलती है। आप लोगों ने कई बार दर्शन भी करे होंगे, साल में एक बार भगवान तिरुपतिनाथ की, वेंकटेश भगवान की मूर्ति उस पुष्करणी से निकलती है जब पानी कम होता है। तो पुष्करणी की रज, पुष्करणी की रज लाकर कपिलेश्वर महादेव के कुंड में अपनी कामना करकर रज को धोकर उस रज को लाकर घर में किसी भी स्थान पर रख लीजिए, व्यापार वाली जगह पर, संपदा कभी कम नहीं होगी। लोग कहते तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी बढ़ती है, तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी कहां बढ़ती है? जब पुष्करणी का स्नान करो, स्नान करोगे तो उस स्नान में पुष्करणी के रज तुम्हारे कपड़े में शरीर से चिपकेगी। जब तुम नीचे कपिलेश्वर पर जाओगे पानी लगेगा, वो रज तुम्हारे कपड़े में चिपक कर घर में आएगी, तब लक्ष्मी संपदा बढ़ेगी। अब लोग समझ तो पाते नहीं कि वृद्धि किस जगह से। स्कंद पुराण में पुष्करणी का, कपिलेश्वर का महत्व जो वर्णन किया गया है उसको अवश्य सुनिए। और अगर आप लोग पढ़ नहीं सकते तो मुंबई में जो महेश्वरी समाज ने स्कंद पुराण कराई थी दो अधिक मास पहले, वो एक अधिक मास पहले, तो उसका स्मरण मुंबई की महेश्वरी समाज अंधेरी की स्कंद पुराण हमारे चैनल पर पड़ी होगी, आप उसको सुनना निकाल कर। अगर आप पढ़ नहीं सकते स्कंद पुराण तो उसको सुनो, उसमें भी हमने व्याख्यान वर्णन किया उस पुष्करणी का, कि मिट्टी का, मृदा का क्या क्या महत्व है, उस मृदा का क्या महत्व है उसका वर्णन शास्त्र करता। तो यहां पर शिव महापुराण कह रही है शिलाद भगवान का भजन करने वाला नंदीश्वर का जो भाव प्रकट करा है, ये नंदी कोई साधारण सा नहीं है, नंदी शिव का उपासक है। भगवान शंकर ने जो उम्र कम दी है, भगवान शंकर ने जो शिलाद नामक मुनि को, ब्राह्मण को जो नंदी पुत्र दिया, उसकी उम्र कम रखने का कारण केवल इतना है कि ये भटकता है कि नहीं भटकता। भगवान दुख देता है ये देखने के लिए कि तुम कितना भटक रहे हो, भगवान तकलीफ देता है इसलिए कि तुम कितना भटक रहे हो। और आपको फिर निवेदन करेंगे अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, आपको पहले भी बताया आज फिर बताते हैं। ये शिवलिंग, ये जलाधारी गोल, ठीक है। भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13। शंकर भगवान के 13 बच्चे सब शिवलिंग के आसपास में हैं। ये जलाधारी जहां पर शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां से चरण पानी गिरता है
बीच में से जाकर, जहां से जल चढ़ाओगे नीचे जाएगा। तो वो राइट भाग जो चरण है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग का जो चरण है वो कार्तिकेय जी का स्थान है। बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी गिरता है शिवलिंग के सामने, वो मोटी सी लाइन शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। ऊपर से शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की पांच लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दोतली और देव। ये शंकर जी की पांच लड़कियां शंकर जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। छह कार्तिकेय और एक गणेश, सात और पांच और एक छह, ऐसे मिला के 13 बच्चे मेरे भगवान भोलेनाथ के शंकर जी के शिवलिंग के आसपास ही रहते हैं, कहीं दूर नहीं जाते। शिवरात्रि के दिन हमको यही जानना है कि हमको काली तिल्ली कहां चढ़ाना है, इसलिए ऑनलाइन पूजन करा रहा है, इसलिए ऑनलाइन शिवरात्रि मना रहे हैं कि आप देख देख कर चढ़ाओ कि गलत ना चढ़ाइए, सही जगह पर चढ़ाओ। कई लोग कहते हैं हमने ये करा था उसका फल नहीं, करो साथ में, गलत करा होगा स्मरण करिए। हजारों लाखों लोगों को लाभ है साहब। सवेरे किसी 8:30 बजे एक मैसेज है समीर जी के पास, अगर हो तो टीवी पर दिखाना, एक 28 साल के बाद एक बहू को बच्चा हुआ है, 28 वर्ष के बाद उसने बेटे का भी फोटो भेजा है। केवल शंकर भगवान पर सफेद आंकड़े की जड़ घुमाकर 21 बार रजस्वला धर्म के सातवें दिन कमर पर बांधी थी, और उसने केवल इतना सा पूछने के लिए फोटो भेजा कि जड़ को अब कहाँ ठंडा करना है, मेरे घर में बेटा हुआ, 28 वर्ष के बाद हुआ। शिव पर अगर विश्वास है तो मिलेगा, शंकर देगा, करुणा सागर करुणा करेगा, बस थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा तो। लेगा जरूर परीक्षा, वो थोड़ा सा परीक्षा में तो प्रबल है शंकर, थोड़ी परीक्षा बहुत लेता है। आप दूसरे देवता का व्रत कर लो, उपास कर लो, कथा सुन लो, कथा करवा लो, सब सरलता में हो जाएगी। भागवत कराओगे जल्दी सरलता में हो जाएगी, रामायण करवाओगे सरलता में हो जाएगी, गीता जी सरलता में, पर शिवपुराण कराना है तो बहुत थोड़ा कठिनता पड़ती है, कराना है करना है बहुत। और कड़ेल जी तुम भी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत। अब अभी कल परसों बोल रहे थे, अभी एक कथा यहाँ हो गई, अभी एक कथा काशी करा दो। हमने कहा हमको फंसा रहे दादा, बहुत यही सुन ली बहुत, एक कथा अभी लॉकडाउन के चलते कहाँ जाना, तो लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद काशी में कथा कर दो, पर कर तो दो, एक कथा तो सुना दो। हमने कहा कथा काशी में कथा कर दें मना नहीं, पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, 25-50 लोग सुन लें काशी में कथा, तुम्हारे 25 लोग आएंगे ना, 25 लोग तुम्हारे आए, 25 हमारे समझ लो, बस 50 लोग बैठ कर काशी में विश्वनाथ की नगरी में कथा सुन लें, कर दें, कोई चिंता वाला विषय नहीं, पर समय अभी थोड़ा देख कर करेंगे। प्रयास करेंगे शिव नवरात्रि का आपने बोला है, शिव नवरात्रि प्रयास करेंगे कड़ेल जी, अगर बाबा कृपा करेगा और विश्वनाथ को सुनना होगा तो प्रयास करेंगे। शिव कृपालु हो, शिव दयालु महाराज। शिलाद मुनि का मन देख रहे हैं शिव, ये तेरा पुत्र अल्पायु है, पर शिलाद ने कहा आपने दिया है मुझे विश्वास है, आपका स्वरूप है मुझे विश्वास है, डिगने नहीं दोगे। शंकर ने अगर कुछ दिया है तो शंकर उसको डिगने तो नहीं दे। बुनंदी उम्र बढ़ गई, अल्पायु था, शंकर की कृपा से, देव सेना की कृपा से, बिल्ली देवी की कृपा से, कार्तिकेय की कृपा से, शंकर की कृपा से, गणेश की कृपा से वो आयुष्मान हो गया, और भगवान शंकर ने कह दिया तुम मेरे सम होगा, जैसा मैं वैसा नंदी होगा। इसलिए कर्नाटक की कई भूमि पर शंकर भगवान का शिवलिंग मंदिर के बाहर होता है और नंदी मंदिर के अंदर होता है। कहाँ गए थे कथा करने, बिदर कर्नाटक,
हमने बिदर में देखा है कि बिदर कर्नाटक साइड में अपने यहाँ तो मंदिरों में शंकर जी का शिवलिंग अंदर होता है और नंदी बाहर होता है, पर बिदर कर्नाटक साइड हम लोग जब कथा करने के लिए गए विजयवाड़ा की ओर आगे, तो हमने वहां देखा कि वहां पर नंदी मंदिर के अंदर होता है शंकर जी बाहर, शिवलिंग बाहर नंदी अंदर। हमने पूछा यह कैसे हो गया बिदर कर्नाटक वालों से, वहां भी एक सराफा वालों ने कथा कराई थी ना, तो हमने उनसे पूछा कि ये हो क्या गया मंदिर को, मंदिर का शंकर जी बाहर आ गए और नंदी अंदर पहुंच गया है, हुआ क्या है? तो वहां के भगत कहते हैं महाराज हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि शंकर जी को अगर घर में बुलाना है तो शंकर जी ऐसे पकड़ाई में नहीं आएंगे, नंदी को पूज लो, नंदी का स्मरण कर लो, नंदी तो लेके रोज शाम को जाता है, शंकर भगवान तो तप साधना में डूबे रहते हैं, भगवान शिव तो तप साधना में लगे रहते हैं, पार्वती जी उनकी सेवा में लगी रहती है, नंदी को मालूम रहता है कि कहां से ले जाना आज घुमाने के लिए, तो वो नंदी लेकर जाता है, तब उस नंदी की हम आराधना करते हैं, उस नंदी की। तो नंदी अंदर शिव बाहर, भगवान शंकर कहते हैं ए नंदी जैसा मैं महेश्वर हूं तो नंदीश्वर होगा, शिलाद कहते हैं शिलाद मुनि ने कहा मेरे बेटे को मैंने इसलिए पाया है कि मेरे पूर्वजों को कुछ भाग मिल जाए, पितरों का तर्पण जल पिंड मिल जाए, इसको मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं, इसको आप रख लो सेवा में, पर मना नहीं है, पर चिंता इतनी सी है कि नंदी का ब्याह कर दो, नंदी की शादी करना। शंकर भगवान ने पूछा नंदी की शादी? हाँ, क्यों? कुंवारा है और मान लो आपने इसको आयुष्मान होने का वर भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, पर कुंवारा तो रहेगा ना, फिर निवेदन करूंगा, कुंवारी अवस्था में मरने वाला व्यक्ति गर्भ से बाहर निकलकर जो बच्चा मर जाता है 6 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना या जन्म लेने के बाद जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है, श्राद्ध में चाहे तुम तर्पण कर लो, गया जी का पिंड कर लो, ब्रह्म कपाली कर लो, चाहे पूरी दुनिया के तीर्थ चले जाओ, ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा लो, तर्पण करा लो, पिंडदान कर लो, पर जो कुंवारी अवस्था में मरता है उसको ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण मिलता है, ना जल मिलता है, ना उसकी मुक्ति होती है। भागवत पितरों को तार देती है, पितरों को मोक्ष देती है, भागवत तारती है, पर शिव महापुराण जो अधो गति में मर जाता है, कुंवारी अवस्था में मर जाता है, अधोगति में चला जाता है। महाराज अगर एक व्यक्ति घर के अंदर टीवी चैनल के माध्यम से क्या यूट्यूब फेसबुक पर भी अगर कथा सुन रहा है और वो अकेला भी कथा सुन रहा है तो उसके साथ पीढ़ियां अवस्था में जो कुंवारा भी चला गया है, एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेने पर, करवा लेने पर, स्मरण कर लेने पर उसके अधोगति में मरे हुए जीवों को पिंड मिलना प्रारंभ हो जाता है, तर्पण मिलना प्रारंभ हो जाता है, ब्राह्मण भोज करे तो उसका भाग मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये कोई शिवपुराण साधारण नहीं है, शिव महापुराण का महत्तम पढ़िए। देवराज नाम का ब्राह्मण
शिव पुराण सुनकर चला था, जिस मार्ग से जा रहा था वहां के अधोगति जीव तर गए थे। देवराज नंबर ब्राह्मण के शिव महापुराण का महत्तम कई बार कथा में कहा, वो तो अभी हल पुरुषोत्तम शिव महापुराण चल रही है, इसलिए आगे की कथा महत्तम ना लेकर सीधे कथा को आगे बढ़ा दिया जाता है। पर जितनी बार कथा कही उसमें देवराज का चरित्र सुनाया है, उसमें एक चरित्र वर्णन किया। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कि शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस नगर से निकल कर जाता है, जिस रास्ते से निकल कर जाता है, वहां जितने लोग एक्सीडेंट में, अधोगति में कैसे भी मर गए होते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है मात्र उसके शरीर की तरंग से, मात्र उसके शरीर की तरंग से वो जीव तर जाता। अधोगति से मुक्त हो जाता। भागवत, शिव पुराण, सारी पुराणे जीव को तारती है, शिव महापुराण पितरों को भी तार रही है, अधोगति वालों को भी तार रही है, वासुकों को भी तार रही है मुक्ति। क्यों? जो अधोगति में मर जाता है वो प्रेत की योनि में जाता है, जो प्रेत की योनि में जाता है वो शंकर का गण बन जाता है, शंकर के पास पहुंचना है उसको कैसे भी, तब उसकी मुक्ति हो। और शिव पुराण उनको मोक्ष देकर अपने करीब में बुला लेती है। कहते हैं मस्तक पर अगर त्रिपुंड लगा हुआ है, त्रिपुंड नहीं तो चंदन की तीन बिंदी लगी हुई हो, त्रिपुंड लगा हुआ हो शरीर पर, कहीं पर भी त्रिपुंड बना हुआ हो, मात्र अगर त्रिपुंड शरीर पर बना हुआ है, मस्तक पर अगर त्रिपुंड लगा हुआ है, महाराज यमराज की तो सामर्थ्यता नहीं है रे भाई कि वो सामने आके खड़ा हो और कह दे कि तू चल। यमराज को भी 50 बार शंकर जी से पूछना पड़ता है, ले जाऊं। अच्छा कई लोग वो हाथ पैर गुथवाते हैं ना, कई लोग गुथवाते हैं, उनको बड़ा शौक होता है हाथ गुथवाने का, तो वो कहीं शंकर जी बनवा लेते हैं, कहीं पार्वती जी बनवा लेते हैं शरीर पर, कहीं गणेश जी बनवा। इनसे निवेदन है कुछ मत बनवाओ, तुम्हारा अगर कल्याण करवाना हो तो केवल त्रिपुंडी गुथवा लो, बहुत है बहुत, अगर तुम्हें शौक है तो, नहीं तो यहाँ तो शास्त्र मना करता है, हमारे यहां तो शास्त्र मना करता है कि शरीर पर गुथवाया भी नहीं जाता। अरे भाई ये जितनी जगह पर तुम नाम लिखाओगे उतनी जगह तो छूटने वाली है। जमीन पे नाम लिखाया लीलावती फार्म हाउस, मर गए तो लीला तो चली गई, फार्म हाउस नीचे रह गया। अरे बोलो रे भाई, ऑनलाइन जितने सुन रहे हो बोलो तो रे, सोफे पे बैठे बैठे, पलंग पे बैठे बैठे सुने जा रहे हो, लीला चली गई फार्म हाउस नीचे रह गया, मकान पे लिखाया लीला निवास, लीला गई निवास नीचे, इंगेजमेंट करी सगाई करी तो अंगूठी पे लिखा दिया लीला एल, मालूम पड़े निपटे तो अंगूठी भी रह गई, और बचा था तो मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखा जाई लीला भाई। अब आत्मा चली गई लीला भाई, तेरा हाथ तो नीचे दे गया। तो ये सब फालतू के प्रपंच करने से अच्छा है जिसका है उसका लिख दो, इस आत्मा पर, इस मन पर शंकर का नाम लिख दो कि सब तेरा है, अंत में तो तेरे पास ही आना है शमशान में, और नहीं आएंगे तो लोग बांध के ले जाएंगे, सीधी बात। और अच्छी खींच खींच के बांध के ले, अर्थी बांधने वाले भी कुछ लोग अच्छे एक्सपर्ट होना चाहिए, उनको बहुत आइडिया रहता कैसे बांधना है, खींचो वो इधर से खींच रहा, वो उधर से रस्सी खींच रहा, वो लपेट ओल, अरे सबको मालूम है मर गया बापड़ा कहीं उठ के भागेगा है? इसके बाद भी खींच खींच के बांध रहा है, वो मरा हुआ भी सोच रहा होगा काय को बांध रहे, भगूंगा नहीं। पर सबको चिंता है, भग गया तो भगवान को तो कुर्सी भरना है उनकी,
और ये भग गया और शमशान लेकर गए, जब तक भग गया तो इसका ये तो चले गए, दूसरे को कहाँ से लाएंगे, इसलिए इसको बांध के ले। शंकर भगवान से एक बार पार्वती जी बोली थी, भोलेनाथ अपन शमशान में रहते हैं, सब लोग बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में रहते हैं, अपन शमशान में रहते हैं, अपने से कोई मिलने भी नहीं आएगा, ऐसी जगह पे कौन मिलने आए। शंकर भगवान बोले भले मिलने नहीं आए, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, तो टेंशन मत ले, और जो एक बार आएगा दूसरी बार कभी जाएगा ही नहीं, यहाँ के बाद जाता ही नहीं, तो क्यों चिंता करना, तू तो आराम से रहे। जब दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया था, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, सारे देवता बैठे थे, शंकर भगवान सबसे ज्यादा नाचे थे, श्राप सुनते ही शिव जी नाचने लगे, भगवान विष्णु बोले तुम्हें श्राप लगाए, शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा, अरे तुम्हें श्राप दिया तुम्हारे ससुर ने, शंकर भगवान बोले श्राप नहीं दिया आशीर्वाद दिया, मेरे ससुर ने कहा शिव तुम शमशान में रहोगे, मेरा ससुर ने मेरा कितना भला सोचा, मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, कौन जाएगा, जाए कहीं का कब्जा करने, तो सोचना क्या, जो शिव है शमशान का वासी है वो अलमस्त रहता है, उसको सब कुछ आनंद की अनुभूति शमशान में ही हो जाती है। मेरा निवेदन है ऐसी देवी भागवत पे उस कथा शंकर की कथा को बाँचा जाएगा, सुनना जरूर, शिव शक्ति कथा रहेगी वो नवरात्र में जो चलेगी। शंकर कह रहे पार्वती से तू एक बार मेरे शरीर में समाहित हो जा, पार्वती जी बोली पहले विचार कर लो, अच्छे से सोच लो, ये कई लोग कहते ना कि इनको देवी जी आ रही उनको देवता जी आ रहे, अब शंकर तो पति हैं, तो लोकी का नाथ त्रिकालदर्शी, वो पार्वती से कह रहे तू मेरे शरीर में समा जा, पार्वती जी बोली पहले विचार कर लो अच्छे से, शंकर भगवान बोले सब कर लिया तू तो समा, और जो पार्वती का एक अंश, 64 योगनी में से एक योगनी केवल शंकर के चरण में पहुंच रही थी नखुन में से, तो शंकर के पांव फटना प्रारंभ हो गए थे। अब कई कई लोग तो कहते हमको जो काली जी आ गई ने दुर्गा जी आ गए, वो एक अंश 64 योगनी का मात्र एक अंश पहुंचा तो शिव नहीं संभाल पाए, तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ू तेरे वापिस बांध निकल वापिस। अब कई कहे कि हमको देवता आया ने देवी आई ने ये आया ने वो आया, तो ये भैया आए मना नहीं है, वो देवी देवता नहीं, वो पवन चलती है, वो पवन आकर कहती है पवन। उनचास पवन में से जो पवन भ्रमण करती है उसमें एक पवन देव पवन होती है, एक पवन प्रेत पवन होती है, जो प्रेत पवन होती है वो जीव को कष्ट देती है, जो देव पवन होती है वो दुनिया के कार्य को सफल कर देती है, कब तक, जब तक उससे कमाई ना करी जाए। देव पवन से अगर कमाई करना प्रारंभ कर दिया, लाओ चुनड़ी लाओ, लाओ ये चढ़ाओ, लाओ देवी जी के ये लाओ, लाओ वो लाओ, बस पवन आना, वो देव पवन समाप्त, उसका विख्यात समाप्त। देवी देवता मंदिर देवालय तीर्थ व्रत सिद्धता का भाव रखते हैं, पर कमाई का स्रोत जहां हो गया वहां सब समाप्त हो गया। महाराज नंदी का विवाह करना है, मरुतों की कन्या सुयशा से आप नंदी की शादी कर, सुयशा कहां मिलेगी, ये पवन की पुत्री मरुतों की कन्या 49 पवन की बेटी कहां मिलेगी, और 49 पवन की एक ही बेटी थी उसका नाम था सुयशा, नंदीश्वर की धर्म पत्नी। सुयशा गंगा के घाट पर तप साधना में लगी थी, वहीं पर नंदीश पहुंच गए और नंदीश्वर ने पहुंचा सुयशा को देखा। सुयशा उस दिन भगवान शिव की आराधना शमी पत्र से कर रही थी,
शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी की पत्तियां महाराज शिव को पाने के लिए, शंकर का स्मरण करने के लिए, मनवांछित फल की कामना करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव को समर्पित करी जाती है। आज शमी पत्र सुयशा समर्पित कर रही, सुयशा दे रही है शमी पत्र। और सुयशा ने जब शमी पत्र समर्पित करा, कामना थी विवाह की, सामने नंदी का दर्शन हुआ। इतने सुंदर थे नंदी, आपको पहले भी कहा कि नंदी ने तो बेल का मुख शंकर भगवान से मांगा था कि मुझे काया का अभिमान ना हो जाए, इसलिए बेल का मुख दे दो, तब बेल का मुख लगा। नहीं तो नंदी बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। आज भी शंकर के मंदिर में जो घंटाल लगता है, शिव मंदिर में जो घंटी लगती है, वो नंदीश्वर की गूंज कर कर लगती है। नंदीश्वर की गूंज से मतलब है आपको महाराज, जो घंटा बांधा जाता है शिव मंदिर के अंदर, महाराज स्कंद पुराण कहती है जहां पर वृषभ रहता हो, बेल रहता हो, नंदी रहता हो, उस जगह पर नंदी की पीठ पर छापा लगाया जाता है, छापा लगाकर, फिर घंटे पर छापा लगाकर, फिर नंदी के सामने घंटे का नाद कर कर जब नाद किया जाता है, नंदी जब तक नाद करते हैं जब तक वो नंदी आवाज नहीं कर दे, गर्जना नहीं कर दे। एक बार नंदी जब चिल्ला देता है तब उस घंटे को ले जाकर फिर शिव मंदिर में बांधा जाता है। शिव मंदिर में जो घंटा बनता है नंदी की गर्जना से, आजकल तो लोग ऐसी बांध देते वो अपनी जगह पर शिव पुराण में, स्कंद पुराण में जैसा घंटा का वर्णन किया गया है, वैसा अगर घंटा शिव मंदिर में बांधा जाता है तो उसके नीचे मात्र घंटे का नाद करने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि ये जो कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर इस भूमि पर जो बन रहा है, शास्त्रों में जैसा जैसा वर्णन कर कर बताया है, उसी रीति से प्राण प्रतिष्ठा, उसी रीति से घंटी, उसी रीति से जलाधारी, उसी रीति से शिव विराजमान हो, जिससे कोई आए भूमि पर पांव रखे, भले वो दर्शन करे ना करे पर उसकी कामना पूर्ण हो जाए। यहां आने वाला खाली ना जाए, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन करने वाला कोई खाली ना हो, उसको सुख का अनुभव हो। सुयशा से विवाह कर दिया, मरुतों ने नंदी के साथ विवाह करा, सुयशा विवाह कर कर आई। एक दिन सुयशा शिव का आराधना कर कर भगवान नंदीकेश अर्थात स्वयं के पति के कर्णों के पास में आकर निवेदन कर दी, क्या कि आज शिव मुझे मनवांछित फल की कामना करे, मेरी कामना जो है वो पूर्ण करे। क्या कामना थी? मेरे 49 पिता मरुतो जो भ्रमण कर रहे हैं संसार में, उसको शिव शुद्ध कर दे। बेटी वही होती है जो माँ बाप के लिए सोच ले कि माता पिता का भला कैसे हो, दोनों कुल कैसे तर जाएं, ये बेटी विचार कर ले, मायके का भी ससुराल का भी। शिव जी ने उसको स्वीकार करा, नंदी ने स्वीकार करा, शंकर भगवान से विनती करी। आज भी निवेदन है, शंकर को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल, नंदी का एक पांव जो नंदी शिव जी के सामने होता है उसका एक पांव उठा हुआ होता है, उस पांव के पास में जल समर्पित करने के बाद नंदी के सीधे कान में अपने नेत्र बंद कर कर भगवान नंदीश्वर के कानों में सुयशा का नाम लेकर जो अपनी कामना धीरे से नंदी के कान में कहकर आ जाता है, 3 से 3.5 महीने में उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। सुयशा का नाम लेकर नंदीश्वर उसको शिव को समर्पित कर दे। तीन तरह के नंदी का भाव बताया है मंदिर में, तीन तरह के नंदी होते हैं, धोला नंदी, काला नंदी, वृतभ नंदी। इन तीनों का व्याख्यान कल की कथा में श्रवण करेंगे, आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं।